वेलकम बैक नाज़रीन, असां मैच ते ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं पिया। कराची किंग्स खे वॾियूं मुसीबतूं आहिनि हिन वक़्तु, छाकाणि त हुनजा 13 अहिड़ा खिलाड़ी आहिनि जेका पूरी फूड पॉइज़निंग जे करे मुतासिर थिया आहिनि। हाणे इन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं था। अजीब भुगियो साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहे। पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त छा इहे मैच अॼु थींदो बि सही या न? अगरि थींदो त कहिड़नि खिलाड़ियुनि सां गॾु कराची किंग्स जेका मैदान में लहंदी? अजीब भुगियो साहिबु, वेलकम बैक सर। ॿी ॻाल्हि इहा त जी सुरेश, तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई थोरी देरि पहिरीं पाणी वारे हिसाब सां, ऐं ॾिसो न, कमाल जी ॻाल्हि इहा त ज़रई मुल्क आहियूं न, बेसिकली ज़रई मुल्क आहियूं असां। असांजो सॼो दारो मदार मिठे पाणीअ ते आहे, ऐं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में इहे रिसोर्सिस न आहिनि। उन खां बावजूदि असां वटि पाणी साफ़ नथो थिए। जंहिं मुल्क में मिनरल वाटर जेको आहे 50 रुपया लीटर ते मिलंदो हुजे, त ॿुधायो त हुन मुल्क में ॿी महांगाई किथे हूंदी? तंहिं करे असां वटि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, इहे उहे कंट्रीज़ आहिनि जेके असांजे मुल्क में ईंदियूं आहिनि। त पंहिंजे मुल्क मां स्पेशल पाणी गॾु कहिड़ी कंदियूं उहे? असांजे मुल्क में पाणी यूज़ न कंदा आहिनि उहे। अगरि उहे असांजा जेके आला धणी आहिनि हिन मुल्क जा, उहे बि माशाल्लाह ॿाहिरां पाणी घुराईंदा आहिनि, हिन मुल्क में पाणी कोन वहाईंदा वापराईंदा आहिनि। जेसिताईं मां हिन शइ मिल्क जी न खाईंदुसि, त पोइ ज़ारा मुंहिंजी आवाम त जेका भोगींदी उहे प्रॉब्लम ईंदा उहे। बिल्कुलु सही अथई। कल्ह वारो मैच असां ॾिठो, अॼु ई मैच अगरि ॻाल्हि कयूं, पर अॼु ई मैच अचण खां पहिरीं जॻह कल्ह ई मैच जी अगरि ॻाल्हि कयूं साईं, कराची जो क्राउड हुयो, कराची जो पहिरियों मैच हुयो पंहिंजे होम ग्राउंड ते, सिर्फ़ 7000 माण्हू अची सघिया साईं। 32000 जी कैपेसिटी हुई नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। मां सम्झां थो जेको आहे न, जेॾी महिल तव्हां प्लेयर्स न आणींदो, ॾिसो न, का बि शइ तव्हां आणियो था PSL में प्लेयर्स, हाणे प्लेयर्स तव्हांजा वेस्ट इंडीज़ जा आया आहिनि वधि में वधि, या कुझु प्लेयर्स आया आहिनि साउथ अफ्रीका मां, हिकु अधु इंग्लैंड जो प्लेयर आयो आहे। न साईं, अगरि मुल्तान जी ॻाल्हि कयूं, लाहौर कज़ावी स्टेडियम जी ॻाल्हि कयूं, उते 80-70% माण्हू बि आया क्राउड में। नो डाउट, बिल्कुलु तव्हां सीधा चओ। उते जेको आहे लाहौर जी मुक़ामी टीम खे माण्हू सपोर्ट करणु आया ऐं ईंदा आहिनि। पंजाब बनिस्बतन पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि जे बहितर पोज़ीशन में आहे स्पोर्ट्स में। उतां जो लिविंग स्टैंडर्ड असां खां हाई आहे। उतां जा लोकल माण्हू इंटरनेशनल आहिनि। उते सभ खां वधीक इंटरनेशनल प्लेयर रहनि था। उन्हनि जी लोकल जेका आबादी आहे उहो यूरोपियन जेको आहे सेटलर थी विया आहिनि। असां वटि जेको सिंध जा माण्हू आहिनि उहो बेसिकली जेको आहे पुअर पॉपुलेशन आहे। असां वटि उहो चेंज न आहे, उहो एजुकेशन न आहे, उहो स्पोर्ट्स कल्चर न आहे, उन जे करे असां वटि उहो चार्म बि घटि रहंदो आहे न। ठीकु आहे साईं, कल जी अगरि क्राउड जी पाण ॻाल्हि कयूं, न अचण जी सभ खां वॾी अगरि वजह ॾिसूं त उहा छा थी सघे थी? यानी छा अहिड़ा का सहूलियतूं कोन हुयूं माण्हुनि खे? छा बरसाति जो को ख़ौफ़ हो गयो, बारिश न थी पए, या कल जो ॾींहुं जेका आहे वेनसडे हुयो, इहो त कोन हुयो की वर्किंग डे हो इन करे माण्हू कोन आया? यानी वजह अगरि तलाश कयूं त छा वजह थी सघे? छाकाणि त सिर्फ़ 7000 माण्हू आया आहिनि कल्ह, 32000 जी कैपेसिटी, ऐं पहिरियों मैच PSL सीज़न 9 जो कराची किंग्स पई खेॾे होम ग्राउंड में। असल में सूरज कुमार साहब, मसलो इहो बि आहे त टिकटूं काफ़ी महांगियूं आहिनि, हिकु नंबर वञी वियो आहे, ॿियो महांगाई ज़बरदस्त थी वई आहे। उन खां अलावा वरी ॿी शइ आहे त मार्केटिंग जेका आहे PSL जी प्रॉपरली ॾाढो लेट शुरू थी आहे। जीअं PSL स्टार्ट थींदी हुई असां वटि, त महीनो अॻु में हुनजी मार्केटिंग स्टार्ट थी वेंदी। हिकु लेक्चर तव्हां लास्ट टाइम डिस्कस कई, त इहा वजह बि थी इन पासे सॼो मुल्क उन पासे लॻो पियो, स्पेस मिले ई कोन मार्केटिंग जो। वरी जिन फ्रेंचाइज़ जेको आहे प्लेयर्स हायर कया आहिनि, त प्लेयर बि कोन क्लास जा आहे ई कोन बिल्डिंग पॉलिसी में जंहिंजी मार्केटिंग कनि। त इन करे मां सम्झां थो प्लेयर जी घटि ॼण जे करे चार्मिंग बि घटि आहे PSL। मैचिस नो डाउट भला पिया थियनि, पर मुंहिंजे ख़्याल में त मार्केटिंग जी वजह सां माण्हुनि ताईं अवेयरनेस कान पहुती, ऐं टिकटिंग सिस्टम ॾाढो कॉस्टली आहे, महांगो आहे। अच्छा अच्छा अच्छा, एजी साहब असांखे सही नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, वो फिजिकल एजुकेशन में भी महारत रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे यकीनन। लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं पॉइंट्स टेबल दिखाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को। पॉइंट्स टेबल दिखाना चाहिंदासीं त अॼु जी मैच में छा सूरत रहंदी। मुल्तान सुल्तान हिन वक़्तु जेका आहे पहिरीं पोज़ीशन ते आहे, 6 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 5 जंहिंमां खटियूं आहिनि, हिकिड़ी हारी आहे। क्वेटा ग्लेडिएटर जंहिंजो अॼु मैच बि आहे कराची सां, हुन उहो जेको आहे ॿिए नंबर ते हिन वक़्तु फाइज़ एस, 4 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 3 खटियूं आहिनि, हिकिड़ी हारी आहे। पिशावर ज़ल्मी 5 खेॾियूं आहिनि, 3 खटियूं आहिनि, 2 हारियूं आहिनि। उनखां पोइ इस्लामाबाद यूनाइटेड जी ॻाल्हि कयूं, जंहिं कल जी मैच बि खटी, 2 मैचूं खटियूं आहिनि, 3 हारियूं आहिनि, 5 खेॾियूं आहिनि। कराची किंग्स जेको अॼु मैदान में नज़र ईंदी क्वेटा ग्लेडिएटर जे साम्हूं खेॾंदी, 4 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 2 खटियूं आहिनि, 2 हारियूं आहिनि। ऐं पोइ जेको आहे लाहौर कलंदर्स जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उन वारी ॻाल्हि त जीते थो सिकंदर, हारे थो लाहौर कलंदर्स। 6 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 6 ई हारियूं आहिनि। उनखां पोइ टॉप स्कोरर जी अगरि ॻाल्हि कयूं असां, PSL जा जेका टॉप स्कोरर आहिनि हिन वक़्तु, उहो बाबर आज़म पहिरीं पोज़ीशन ते अचे थो,
330 रनसू हणी करे पहरी पोजिशन ते डॉसन रीजे वेंडर डॉसन साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है मुल्तान सुल्तान लाइ खेडना आहिनि 300 रनसू हणी सेकेंड पोजिशन ते रीजे हैंड्रिक टी पोजिशन ते 286 रनसू हणी करे रीजे हैंड्रिक भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर है मुल्तान लाइ खेडंदो आहे उनखां पोइ अगर टॉप विकेट टेकर्स जी ॻाल्हि कयूं त मोहम्मद अली जेका आहे मुल्तान सुल्तान जो अगेन उहो जेको आहे पहिरीं पोज़ीशन ते 13 विकेट वठी करे पहिरीं पोज़ीशन ते उसामा मीर जेका अहिड़ो लेग स्पिनर है जेको पाकिस्तान खे बि रिप्रेज़ेंट कंदो आहे ऐं असां हिनजी कारगिर्दगी वर्ल्ड कप टी ओडीआई वर्ल्ड कप में बि ॾिसी त 13 विकेट उसामा मीर बि वरिता आहिनि शाहिन शाह आफ़रीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टी ट्वेंटी जो कप्तान जंहिं साईं 9 विकेट वरिता आहिनि उनखां पोइ आरिफ़ याकूब बि आहे 8 विकेटनि सां गॾु ऐं डी जे वैली जेको इंग्लैंड जो क्रिकेटर आहे 8 विकेट खणी करे 5 पोजीशन है सही नदीम साहब वेलकम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में कैसे मिजाज सर अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत शुक्रिया नदीम साहब सबसे पहले तो आप ये बताएंगे आपकी जो गेम्स चल रही है सिंध गेम्स कैसी जा रही है बेहतरी जा रही है बड़ी अच्छी जो है पार्टिसिपेशन रही है सिंध कॉलेज गेम्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं सिंध गेम्स के फौरन बाद और इन गेम्स की एक मैं खासियत आपको बता दूं वो ये है कि ये जो है हर कॉलेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है सिंध में तमाम कॉलेज के जो तलबा और तलबात हैं उन तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है फिर वो क्वालिफाई किया है इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट से अब जो शुरू हुआ है हैदराबाद में कल पहला दिन था तो ये इंटर रीजन शुरू हुआ है सही। हमारे सिंध के 6 रीजन है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन 6 के 6 रीजन की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं वो खेल रही हैं तो अभी भी हॉकी का जो है फाइनल मेरे सामने जो है हैदराबाद और शक्कर की गर्ल्स के दरमियान जारी हो सारी है जबरदस्त सर बहुत अच्छा माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स जो है एक हेल्दी एक्टिविटी होती है पीएसएल भी सर जारी है आपको पता ही है और पीएसएल में आज जो खबर आई है सर हम सबके सामने बड़ी जो है अफसोसनाक खबर है कराची किंग्स के फैंस के लिए कि कराची के 20 में से 13 खिलाड़ी जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से मुतासर हुए हैं बीमार हुए हैं यूं अगर कहें तो सर क्या कहेंगे आप फिजिकल एजुकेशन में भी महारत रखते हैं क्रिकेटर्स को बड़ा करीबी आप देखते हैं देखें असल में ये थोड़ा सा उनके कराची किंग के लिए बहुत बड़ा जो है वो एक इशू क्रिएट हो गया है ये उनके प्लेयर जो है वो इस किस्म के देखें कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं अगर आप 100% फिट नहीं है सही। तो आप जो है अपनी 100% परफॉर्मेंस भी नहीं देते फिर वो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज हो जाती है तो शायद यही वजह रही कि जो कराची ने लास्ट जो मैच लूज किया है उसमें उन्होंने जो 166 रन का शायद टारगेट दिया था इस्लामाबाद के अगेंस्ट और मुझे वो मैच हार गए थे वो लोग तो इनके पेयर को फिट होना फिर ये कि शायद खाने में कुछ ऐसा हो ठीक है ना वो मैंने जो स्टेटमेंट देखी उनके मैनेजर की उसमें उसने लिखा है कि भाई जो वो टफ शेड्यूल तो खैर हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड पॉइजनिंग होती जब है जब आपके मैदे में कोई ऐसी मकसद चीज चली जाए या कोई मैदे में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से होता है कि शायद कोई डिहाइड्रेशन वगैरह जो है उनको हुई होगी पर गर्मी भी नहीं है कि भाई डिहाइड्रेशन का कोई अंसर ऐसा निकलता हो तो मुझे लगता है कि जो है वो शायद खाने पीने में कुछ ऐसा नदीम साहब मैक्सिमम ये कितने दिनों तक ये जो है मामला चलते रहेंगे यानी फूड पॉइजनिंग का भी मुतासर हुए प्लेयर्स कितने दिनों में रिकवर हो जाएंगे मेरे ख्याल से आज भी शायद इनका मैच है उसके बाद नेक्स्ट मैच जो होगा जब तक ये सब फिट हो जाएंगे फुली ये रिकवर हो जाएंगे जी जी बिल्कुल इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है ये खाने पीने में बेहतियाती हो जाती है कुछ इस किस्म का जो होता है जो कुछ ऐसी चीज खा ली हो जिसकी वजह से वो प्लेयर्स के अंदर जो है वो आ जाता है तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है अदरवाइज जो है वो फूड पॉइजनिंग जो है वो कोई इतनी सीवियर कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी या इंजरी नहीं है सही 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 यानी आज का मैच जरूर मुतासर होगा कराची का अगर हार जाते हैं तो यकीनन यही वजह ठहराई जाएगी कि ये जो एलिमिया आया है सामने के 13 खिलाड़ी जो है मुतासर हुए हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से एजी साहब कैसे देख रहे हैं आज का मैच कौन जीत रहा है सर जी मैच की पोजीशन तो देखे ना सेहत के साथ बन गई है अच्छा लेकिन सर एक चीज है कि देखे ना कि इंजरी तो नो डाउट की कोई बड़ी नहीं है लेकिन आप ये देखें कि दो मैच आप कंटिन्यू बिल्कुल गिरे पड़े मरे पड़े और लेटे पड़े वाले स्टाइल से खेलें तो आप फिट ही ना हो तो फिर कैसे टीम आपकी जो है ना वो चिल करेगी प्लेयर इंजॉय करेगा या क्या परफॉर्मेंस देगा नो डाउट कि एक प्रॉब्लम में टीम है लेकिन फेवरेट जो है अगर सेहत वाला इशू है और उनके तीन जो है मैन प्लेयर टीम में 4 प्लेयर नहीं खेल पाते हैं तो फिर ये समझें कि उनकी आधी टीम तो अनफिट हो गई जो बिल्कुल बेचारी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी प्लेयर इन ही नहीं होगा तो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाएगा तो जो अगेंस्ट टीम है सामने कोयटा जो है उसको एज है
मैं समझता हूँ कि आज अगर सेहत वाला इशू है, अगर नहीं तो कराची की टीम बड़ी है, अगर सेहतमंद हो जाते हैं प्लेयर रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन जब होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, तो सबसे ज्यादा आपको पेट में मरोड़ होते हैं, फिर ज़ाहिर है पानी की कमी होती है, तो रिकवर करने के लिए चीज़ें बहुत हैं, लेकिन फिजिकली तकलीफ में जरूर है कराची की टीम, लेकिन ये कि ग्राउंड में टीम उतरेगी तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर है चीज़ें लेके उतरेगी सेहत के एतबार से, तो अल्लाह करे कराची के साथ दुआएं हैं कि वो फिट होके उतरे और मैच का मजा आए बाहर। और नदीम साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कल जो है प्रेडिक्शन करी थी कि कराची किंग्स जीतेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सकी। सर आज आप क्या देख रहे हैं कि कराची किंग्स अगेन जीत पाएगी, अगर टॉस भी जीत जाती है तो चांसेस हैं? नहीं देखे, जो इस वक्त जो क्वेटा की परफॉर्मेंस चल रही है और कल के मैच का भी जो मैंने बताया था ना, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो प्लेयर्स के साथ कोई इशू चल रहा है या क्या है, लेकिन ना वो आपने मतलब सुनने में आया कि फूड पॉइजनिंग है, अब ये भी एक अंतर हो सकता है उनके हारने की वजूहत में से। सही सही। तो जो क्वेटा और कराची का जो मैच है, मुझे लगता है कि क्वेटा की टीम जो है फेवरेट है इस मैच में, वो क्योंकि उनका एक तो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फिर शेन वॉटसन जो है उन्होंने काफी प्लेयर्स को जेल किया हुआ है, और तकरीबन जो या नदीम साहब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रेडिक्शन जो है सिंध सूबे में काम नहीं कर रही, हो सकता है आज कराची जीत जाए? नहीं देखे, वो ये तो T20 इस टाइप की क्रिकेट है कि इसमें अगर दो प्लेयर एक अच्छे बैटर अच्छी परफॉर्मेंस दे दे और एक बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, 5-6 आउट कर दे, जैसे उसामा मीर ने 6-7 आउट कर दिए थे और बाबर आजम ने जैसे 100 कर दिया था, तो भी टीम जो है ऊपर आ जाती है, तो क्योंकि इसमें आपकी जो है ना मतलब आपको पता है कि ये जो है वो छक्के और चौके जो है वो लगाने वाली क्रिकेट है, और इसमें जो है ज्यादातर एंटरटेनमेंट और धुआंधार किस्म की इनिंग और धुआंधार किस्म की बॉलिंग, तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम जो स्टेट देखते हैं, जो परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके मुताबिक जो वो क्वेटा की टीम फेवरेट है। एजी साहब टॉस आज भी बड़ा इंतहाई जरूरी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आपने कहा जो भी पहले टॉस जीत रहा है पहले फील्डिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि बॉल शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आती है बैट पर और आखिर में जो है काफी ईजी हो जाता है बैट्समैन के लिए चेज करना। है वेदर का इशू तो है कराची में, क्योंकि वेदर जो है वो थोड़ा विंड के साथ चल रहा है और अच्छा वेदर है क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छा वेदर है सर आखिर में सेकंड इनिंग में ड्यू भी आ रही है। एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर बॉलिंग स्किल्स के ऊपर मैच है सारा। सही। और क्रिकेट की दोनों साइडें जो आज खेल रही हैं, दोनों की बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। अच्छा मैं एक और चीज जरा शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए, स्पेशली और सुरेश कुमार साहब आपके लिए भी, कि ये T20 क्रिकेट है ना, ये बेसिकली आजाद ही कराची की है। अच्छा। ये हम लोग रमजान कब खेला करते थे, आज से 15-20 साल पहले की बात है ये, तो उस टाइम ये क्रिकेट रमजान में सिर्फ कराची में खेली जाती थी आफ्टर द प्रे ऑफ जोहर, और मगरिब में फिर रोजा अफ्तार करके हर कोई घर भाग रहा होता है, रोजा अफ्तार करते थे, तो ये खूबसूरती T20 की है ही कराची की बेसिकली। अच्छा मतलब ये आप बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज हमें दे रहे हैं कि दुनिया एक क्रिकेट में अगर क्रिकेट किसी ने इजाद किया तो वो इंग्लैंड है, और फिर T20 किसी ने इजाद की है तो फिर वो कराची है। सर ऐसा ही है? बिल्कुल सही है। कमाल कर दिया नदीम साहब, यानी हम तो ऐसे शहर में रह रहे हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट को जन्म दिया है, तो कराची को यकीनन जीतना चाहिए सर, क्वेटा को आप नहीं जिता सकते आज। नहीं बिल्कुल, असल में क्वेटा में भी कराची के प्लेयर शामिल है ना, ऐसी बात तो नहीं है, ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान की PSL हो रही है, सही, सही, तो मुख्तलिफ प्लेयर मुख्तलिफ जगहों से खेल रहे हैं। सही। तो जो ये इन्होंने बात की है बिल्कुल सही कहा कि ये T20 क्रिकेट जो है, मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची डॉल्फिन और कराची लेपर्ड जो है दो टीमें हुआ करती थी, और उसके अलावा एक किसी सियालकोट की थी, तो वर्ल्ड में अगर T20 फॉर्मेट की अगर कोई टीमें हुआ करती तो ये तीनों ही हुआ करती थी, नंबर 1, 2 और 3। तो यहाँ से 20-25 साल पहले आप चले जाएं तो बहुत ज्यादा क्रिकेट जो वो T20 की हुआ करती थी कराची में। नदीम साहब तो शान मसूद की जो कारकर्दगी है उस पर आप क्या कहेंगे, एक तो ODI की तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं और कप्तान भी बना दिया गया है उनको, सेटिस्फाई तो अभी तक नहीं रही उनकी परफॉर्मेंस इस PSL में? हाँ देखें, शान मसूद को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखें जब आप इस लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं और ये PSL में तमाम ही लोग प्रोफेशनल हैं, इसमें वो कहते हैं ना कि गलती गुंजाइश नहीं होती कि मेरे साथ ये इशू है या ये मसला है वो मसला, जब आप प्रोफेशनल कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया की क्रिकेट खेल रहे होते हैं और सब पूरी दुनिया से निकल कर फिर बाने नहीं चलते, सही बात है, हाँ फिर उसमें आपकी एक्सक्यूज नहीं होती, ठीक है ना, या तो चलो कोई बिगिनर हो नया हो उसका तो एक्सक्यूज बनता है, जैसे फखर जमान है उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो अब टू द मार्क नहीं चल रही, उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और हमारे ये दोनों प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छे हमारे जो है वो बैटर्स हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं, लेकिन इनको अपनी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये
कमजोरी दिखा रहे हैं या कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें ये कमजोर पड़ रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। एजी साहब, कराची ने एक बहुत बड़ा लॉस किया अपने साथ ज्यादती की मैं कहूंगा, कि बाबर आजम जैसा प्लेयर उनके पास मौजूद था, सही से डील नहीं कर सके उनके साथ, सही से उनके साथ जो है ना चीजें चला नहीं सके। यूं जाके बाबर आजम ने पेशावर जलमी को ज्वाइन किया, आज इतने बड़े वो प्लेयर है पेशावर जलमी को, यकीनन फाइनेंशियली भी बहुत फायदा पहुंचा होगा बाबर आजम की वजह से, काफी सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं, स्पॉन्सरशिप आती है। सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रांड जो है ना, देखें जी उसका अपना अमाउंट है, ये जो लीग होती है ना ये बेसिकली प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि प्लेयर्स जो है जो खासतौर पे पाकिस्तान जो है वो हमारा वाहिद मुल्क ऐसा है, या श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उनकी सारी अर्निंग ही यहाँ से है, बाकी तो लीग जो है या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बोर्ड के इतने हैवी होते हैं कि प्लेयर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कराची किंग्स की मैनेजमेंट के साथ ये मसला है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्लेयर्स के साथ जो है ना सही तरीके से चल नहीं पा रहे। पहले तो इमाद वसीम के साथ ये हुआ, बाबर आजम के साथ हुआ पहले, अब मुझे लग रहा है अगर शान मसूद भी सही नहीं खेल सके इस सीजन में, उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा एक चीज है सरोज कुमार, मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक सवाल मैं अपने पैनल से रखता हूँ, आप कुछ भी सही मिलना चाहते हैं जी, आप मुझे ये बताएं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा कौन से मुल्क में फ्रेंचाइज जो है वो इस तरह डील करती है जैसे पाकिस्तान में होती है, मुझे इसकी कोई एक मिसाल दे दें। चलें मैं नदीम साहब से भी आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पे तो बहुत सारी सर पॉलिटिक्स भी है, नदीम साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ये नदीम साहब, मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बार बार कहता हूँ इस बात को, और क्योंकि हमारे पास एक ये क्रिकेट ही ऐसा गेम बचा है जिसमें हमारे प्लेयर्स दुनिया में स्टार खिलवाए जाते हैं, उससे पहले स्क्वाश होती थी, हॉकी होती थी, स्नूकर थी, ये ऐसे गेम थे जिसमें हमारे प्लेयर्स दुनिया में जाने माने जाते थे, लेकिन अब क्रिकेट है ना, इनको चाहिए कि जूनियर सतह पर वर्कआउट करें ज्यादा से ज्यादा, 13, 16, 19 ये लेवल ऐसा है जिस पर इनको देखना, वहां पे अगर हम जो है वो पॉलिटिक्स का आंसर डाल दें या कुछ जो फेवरेटिज्म या पसंद ना पसंद का आंसर डालें तो फिर आपके पास जो है ना कचरा ऊपर आएगा, कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं आएंगे, फिर वो आगे जाके वर्ल्ड लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो है फिर वो सर्वाइव ही करते हुए नजर आएंगे, फिर आप जो है उनकी वहां पर बायोमैकेनिक्स भी ठीक करेंगे, उनकी स्किल भी ठीक करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो कोच लगता है वो बाबर आजम को कौन सी स्किल सिखाएगा, मुझे आप बताएं। सही बात, लेकिन बाबर आजम या यूनस खान हुआ करते थे, उससे पहले यूसुफ थे, जमामुल हक थे, सईद अनवर थे, जहांदाज थे, पर कोचेज का काम ही यही है कि प्लेयर्स की ग्रूमिंग करना, उनकी मेंटोरिंग करना, उनकी छोटी छोटी खामियां, बिल्कुल जरा जरा सी जो छोटी छोटी खामियां होती हैं उनको दूर करना। वो जो ये इन्होंने मुझे साहब ने बात की है कि बिल्कुल हमें नीट एंड क्लीन काम करना पड़ेगा, फिर जाके जो है पाकिस्तान की आप देखेंगे क्रिकेट जो है और ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। जी साहब, यकीनन आपको आंसर जो है जवाब मिल चुका होगा, या मेरे ख्याल से आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उस तरीके से टीवी पे नहीं बोल सकते। सही कह रहे हैं, आने वाली है ना कि आप जिन प्लेयर्स को ला रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत ला रहे हैं, पहले हमारे यहाँ एक सिस्टम था कराची का, KCCA कराची क्रिकेट एसोसिएशन, शायद शाह बुखारी साहब अल्लाह उनको जन्म नसीब करे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो नीचे 19, 14, 16 लेवल के प्लेयर ला के कराची की दो दो तीन तीन फर्स्ट क्लास की टीमें बनती थी। अच्छा, तो वो फिर प्लेयर नजर आते थे, वो चीजें नजर आती थी। अब आपने क्या किया है कि पूरे कराची की टीम दे दी आपने, एक बड़े आइकॉन टावर को दे दी आपने, एक बड़े बिजनेसमैन को दे दी। सही, सही। तो बड़े बिजनेसमैन ने क्या किया कि दो कोच हायर किए, दो मैनेजर हायर किए, दो जो ना वो दूसरे लोग हायर किए, उन्होंने बिल्डिंग की, प्लेयर लिए और अपने नाम से टीम उतार दी। अगर वहीं पर ही आप जो है उस फ्रेंचाइज को स्पॉन्सरशिप में हिस्सा दें, उनको कहें कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, टीम आपकी कहलाएगी लेकिन आप इंगेज नहीं होंगे, इंगेज पीसीबी करेगा, कोचेस पीसीबी हायर करके देगा आपको, कोचेस के साथ मैनेजमेंट पीसीबी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आप टीम बिल्डिंग में आए, पॉलिसीज में आए, हाँ इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस कैसे होता है, या तो फिर आप आगे लगे, आप भी किट पहने, हमारे जो ना जो टीम जितने भी ऑनर्स हैं लीग्स के वो खुद भी जो ना एक बोला प्लेयर की अच्छे से ग्राउंड में उतरे फिर तो समझ में आता है, आप ग्राउंड से बाहर बैठ के एक इंटरनेशनल प्लेयर जो आपसे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है, आप उसके पीछे से डोरियां बैठ के हिला रहे होते हैं, इसको निकालो, इसको डालो, इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ, तो जाहिर है उससे क्या होता है कि पसंद ना पसंद में जो असल प्लेयर है वो गुम हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी अच्छे लोगों के हाथों में है, पीसीबी को चाहिए कि वो आइंदा जो है, मेरी सजेशन है कि वो ऐसा करें कि भाई आप कोचेज, आप मैनेजमेंट, आप टीम स्टाफ, ग्राउंड सब आप देते हैं,
फिर आप पॉलिसीज दें, आप बोले भी ये इन्वेस्टमेंट है आप कर लें, प्लेयर बिडिंग की सूरत में आप खरीद लें, आपका प्लेयर कहलाएगा, आपकी टीम का प्लेयर कहलाएगा, आपका ब्रांड आ गया, बिल्कुल यही बनता है। आखिरी चंद मिनट बन के आप काम करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी, उससे लॉस हो रहा है, मसलसल लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही सर, आखिरी के चंद मिनट है, आज की मैच की बात करते हैं, वापस आते हैं। सर दो ऐसे प्लेयर्स हैं क्वेटा ग्लेडिएटर के, नदीम साहब जो कि अभी तक उस किस्म की परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए, मोहम्मद आमिर भी है उसमें, मोहम्मद हसनैन भी है, मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, तीन ऐसे फास्ट बॉलर है, उस किस्म की कारकर्दगी दिखाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए सर। देखिए मैं इसको इस तरीके से लूंगा, हो सकता है लाहौर की जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर को ज्यादा सूट नहीं करती हूँ, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं वहाँ पर, आपने देखा 200 रन बने, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है ना हसनैन की, ना आमिर की, ना वसीम जूनियर की। सही। और जब आपकी टीम विनिंग ट्रैक पर होती है, जीत रही होती है, तो फिर सारी गलतियां जो है, सारी खामियां वो छुप जाती हैं, जब आप हारते हैं तो फिर ये चीजें जो है पकड़ में आती हैं कि भाई आपने इतने रन दिए, इतना किया, तो ये लोग भी रन तो कर रहे हैं जवाब में, इनके भी बैटर्स जो है वो रन कर रहे हैं, तो वहाँ आप कराची में असल पता लगेगा कि इन बॉलर की परफॉर्मेंस क्या रहती है और किस किस्म की ये बॉलिंग करते हैं। अच्छा नदीम साहब, अगर कराची की बैटिंग की अगर बात करें तो उनमें भी कोई शोएब मलिक के अलावा, कैरन पोलार्ड के अलावा कोई भी ऐसा खास प्लेयर नहीं है जो परफॉर्म कर रहा है, वही पुराने जो उनके क्रिकेटर्स हैं, बुजुर्ग क्रिकेटर्स जिसको कहें हम, रिटायर्ड प्लेयर्स, वही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई नया कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। देखें ये एक प्लेयर होता है थ्रिलिंग प्लेयर होता है जो एनर्जेटिक एजाइल किस्म का, अच्छा उसका भी एक एज का क्राइटेरिया होता है, किस एज तक जो है प्लेयर जो है वो इस फेज में रहता है, उसके बाद उस प्लेयर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उसका रिएक्शन टाइम, उसकी जो स्किल, उसकी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें नीचे की तरफ आती है। तो जहाँ कराची किंग ने जो पिक की है ना प्लेयर, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फ्रेंचाइज को देखना चाहिए पिक के अंदर कि हमने कौन से प्लेयर्स लेने और कौन से प्लेयर्स हमें कहाँ पर काम आएंगे, बिल्कुल वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वो जो टीम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। एजी साहब आज जो है ना टैब्रिज शामसी लेग स्पिनर जो अवेलेबल नहीं है कराची किंग्स को, कितना बड़ा नुकसान होगा ये कराची किंग्स के लिए। प्लेयर है और करंट प्लेयर है और अपनी टीम का परफॉर्मर है और उसके साथ साथ जो है उसके ऊपर अच्छा खासा अमाउंट लगा है, और आज का मैच कराची के लिए बहुत अहम है क्योंकि अपने क्राउड में खेलने का जो है ना उसका मजा ही अपना होता है। सही बात, तो मैं समझता हूँ कि लॉस तो है, नो डाउट लॉस है, सीधा सीधा लॉस है। और वैसे भी अगर पॉइंट टेबल पे देखें तो कराची के लिए डू और डाय तो मैच नहीं है, लेकिन एनी हाउ आपको ये मैच जीतना है कम से कम। पॉइंट टेबल पे आप ऊपर हो जाएंगे ना, बेहतर हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। और लाहौर कलंदर नदीम साहब आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तकरीबन ही आप देख लें 6 मैचेस जो हो चुके हैं, बाकी 4 मैचेस रह गए हैं, अगर वो 4 मैच भी जीते हैं तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर उनको रन रेट भी बेहतर करने की जरूरत होगी, तो काफी चीजें काफी मुश्किल हो गया लाहौर कलंदर के लिए। अब उनको चाहिए, हालांकि लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल भी कर रहे होते हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा उनसे कहाँ चूक हुई है और कहाँ उन्होंने मिस्टेक की, जिसकी वजह से ये टीम की परफॉर्मेंस रही। बहुत शुक्रिया सर नदीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, एजी साहब आपने भी अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में, इंशाल्लाह कल आप दोनों से मुलाकात होगी दोबारा स्पोर्ट्स आवर में। नाजीर अज का मैच है कराची किंग्स आई क्वेटा ग्लेडिएटर, काफी इंटरेस्टिंग मैच थी, छाकाणि कराची किंग्स के ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलातूं आहिनि, हुननि जा 13 प्लेयर जेको आहे फूड पॉइज़निंग जे करे मुतासिर आहिनि। हाणे ॾिसूं था छा इहो मैच थिए बि थो या न, अगरि थिए थो त कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर जेको आहे कराची किंग्स अॼु जी मैच में खेॾाईंदी। हूअं त कराची किंग्स लाइ काफ़ी मुश्किलातूं आहिनि, अॼु लॻे ईअं थो त क्वेटा ग्लेडिएटर फेवरेट नज़र अचे थी, असांजा एक्सपर्ट बि इहो ई था चवनि त क्वेटा ग्लेडिएटर आहे अॼु जी मैच में फेवरेट। ॾिसूं था केरु थो खटे अॼु जी मैच, हुन ते ज़रूरु सुभाणे जेको आहे डिस्कशन कंदासीं स्पोर्ट्स अवर में। तव्हां ॾिसंदा रहो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आवाज़ टीवी ते, PSL सीज़न 9 जी स्पेशल ट्रांसमिशन। मिलूं था सुभाणे, अलाह नगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 जारी ऐं सारी आहे, इंट्रस्टिंग मैचिस जारी आहिनि। कल्ह जेका मैच आहे उहो थियो हुयो कराची किंग्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जे विच में, पहिरीं जंहिं टॉस खटी उहो ई मैच खटी, छाकाणि त पहिरीं इस्लामाबाद टॉस खटे फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो। पाण अगरि समरी ते अगरि ॾिसूं त 165 रन्सूं ठाहियूं कराची किंग्स, 166 जो टारगेट ॾिनो। उन खां पोइ अगेन कैरन पोलार्ड 48 रन्सूं हुयूं 28 बॉलनि ते, ऐं उहो ई साईं पुराणा जेका प्लेयर आहिनि शोएब मलिक थी वियो, कैरन पोलार्ड थी वियो, उहो ई रन्सूं पिया था कनि, ॿियनि में अञा ताईं का ख़ासि कारगिर्दी अञा ॾेखारी कोन्हनि। उन खां पोइ शाहिद दादा फरहान जेका इनफॉर्म प्लेयर आहे कराची किंग्स जो, 27 रन्सूं हुयूं 22 बॉलनि ते, ऐं चेस करण जे दौरान कॉलिन मनरो ऐं एलिक्स हेल्द ॿई जेका फॉरेन प्लेयर्स आहिनि ऐं ॿिन्ही कमाल जी बैटिंग कई,
कॉलिन मनरो 62 रन आयो है, 82 रन आयो 47 बॉल में, 47 रन आयो है, एलेक्स हेल्स 169 रन आयो, 2 विकेट सिर्फ किराया हुआ, इन दी एंड जो जै पैरी बैटिंग कई वह टीम हारे वही। मुसाफिर मौजूद है एजी बुग्यो साहब, मुख्तलिफ शयू सामू आयो है, कराची किंग्स जो प्लेयर्स उनके फूड पॉइजनिंग जो शिकार थे, 13 अड़ा खिलाड़ी हैं जो फूड पॉइजनिंग के करे मुतासिर थे, उनमें कई अड़ा नाला टे चार नाला वह जो बिल्कुल अज मैच ला दस्या भी को जैमें तरबेज शामसी जो है ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर है साउथ अफ्रीका जो उन तबरेज शमसी उनका जो है डू प्लॉय उनको जो वन डाउन इन प्लेयर इनफॉर्म आ वो भी फॉरन प्लेयर है वो बई जो है अज के मैच ला दस्या ना 13 अड़ा खिलाड़ी हैं जो फूड पॉइजनिंग के करे अज टीम में न खेले सकता। मुसागर एजी बुग्यो साहब मौजूद है, उनसा भी गाल बोल कंदासी। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम साईं जी, मु गाल कई त ये वडी एकड़ो अलमियो पैदा थियो आ साईं पीएसएल में। कराची किंग्स ऑलरेडी 5 नंबर ते आए, सिर्फ 2 मैचू अजा ते खटे चुकी है, कल वारी मैच पे हारे छडी आई, अज वारी मैच पे लगे ही तो वडा वडा जका नाला है जी, करेंट पोलार्ड भी कल ही त उनकी तबियत खराब हुई तदें भी वो खेडियो 48 रनस आयो, अज लगे ये तो 50-50 करेंट बॉल शायद अज न खेडे, पर टेबरेज जो शामसी है लेग स्पिनर वो इंतहाई जरूरी है सही बॉलिंग लाइनअप लाए वो भी अज टीम लाए दस्याब ना है, उनका अलावा डिप्लॉय एक अड़ो बैट्समैन है वो भी अज टीम के दस्याब ना है कराची किंग्स लाए, जो लाहौर कलंदर्स का सही हाँ कराची किंग्स हो मुझे ख्याल में वारो अची वो मुझे खड़ी चीज सकिए तो पर मेरे ख्याल में तो जो फूड पॉइजनिंग थी है तो शायद वेदर जो इशू भी है ज्यादा एकड़ी कंट्री में अचो था वरी बे सिस्टम में यानी असा जो है लाहौर जो वेदर चेंज है कराची का वरी कराची में आया तो पानी जो भी चेंज थी तो वे तो ढो ख्याल क्यों था टेम जो किथे मानी वगैरह में कड़ी सी थी है लापरवाही जैमें जो ये प्रॉब्लम थो है पर कें भी टीम जहाँ 13 प्लेयर अनफिट थी वन तो ग्राउंड में वेचारा परफॉर्म कंदा उन हिसाब से समझा तो ये कराची ला बैड लक चेंज खी हाँ प्री प्लान तो नों आई पर हाँ जो सेहत आई इंटरनेशनल प्लेयर्स वो ट्रेन जो ट्रेन अगर टीम में न खेल टीम में प्योरली सिर्फ पाकिस्तान जहाँ प्लेयर्स रह जाहिर उनकी भी फूड पॉइजनिंग के हिसाब से पोजिशन खराब है तां सर बिल्कुल एकड़ी सही गाल कई कल तो जेका पेरी टीम पेरी बॉलिंग कंदी उनके फायदो जरूर पहुंचो कराची में रावलपिंडी में हाँ जेका ले खेली वेंदी कल जेका टीम पेरी बॉलिंग कई इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके फायदो पहुंचो छाकाण त शुरुआत में बैट ते बॉल उन तरीके से कोन पे आयो जडे कराची बैटिंग में कई इन दी एंड पिच थोड़ी बेहतर थी बैटिंग लाए आई पोए जडे इस्लामाबाद जी वारी आई तो साईं बिल्कुल ये भी लगो जी पिच ही बैटिंग लाए ठही आ बिल्कुल है वेदर कंडीशंस बिल्कुल जो है डी जो चेंज थी रात जो कुछ बेदियं नो डाउट ये प्रॉब्लम है पाई जगह से पर यो भी तक ऐसा पव तो कल वे मैच में जो है विकेट्स जो है उन मैचेस न थे काफ़ी अर्से का तो वो प्रॉब्लम भी है पाई जगह से वो जी जी मैचेस हों तो ट्रैक्स ये भी फ्लैट शुरू थी वा जी हाँ वेदर में जो है आस्ते आस्ते चेंजिंग अचे पे थी तो 2-3 दिन में वेदर ये भी जो है तुम गर्मी वो डी जो गर्मी पद जो है 32-35 से हले वो है तो कराची में यो वेदर जो है गर्मी दा आस्ते आस्ते वे पो तो यो जो हाँ ये ट्रैक्स भी फ्लैट ट्रैक्स शुरू थी वा बैटिंग ट्रैक्स छोजो तो अस क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है वो टोटल जो है बैटिंग माहौल ठाई वेठी है और वरी बी गाल है तो जो है कल जो टोटल मैच जो कराची वो तिठो तो उनमें अनफिट होने के कर न बैटिंग वह मजेदार थी सी उनकी फील्ड में भी थकल थकल भी नजर आया कराची वारा बॉलिंग में भी कोई रिजल्ट खास न सिर्फ 3 विकेट्स वरती और जो 7 विकेट्स से मैच कटे रहा जो इस्लामाबाद वारा तो इन कर मेरे ख्याल में तो कलों के मैच में तो जो वेदर कंडीशन का गद गद सेहत वो इशू घो गालिब रो कराची बिल्कुल सही कल भी अड़ा कुछ प्लेयर हुआ जो मुतासिर हुआ फूड पॉइजनिंग में वो तद भी खेडिया अज खेले सकना या न यो तो असें 7 बजे खबर पव तो वाकई में अज मैच थो भी सही है न पैं तो ये अस कन्फर्म क्यों अगर थो तो केर केर खेड वो भी कन्फर्म क्यों छाकाण सर अगर 13 खिलाड़ी अगर मुतासिर आन टोटल मुझे ख्याल में खिलाड़ी टोटल 17 अड़ा हूँ उनमें अगर 13 मुतासिर आन तो खेडी सही कराची किंग्स अज ज़ाहिर है बिल्कुल अगर टीम ही जो है पूरा कॉम्बिनेशन ठहे ही न तो टीम कहती ज़ाहिर है उन वेचारे के चवन तो जो है शीह के अगर बकरी के बिहारे छा हाँ जरूरी है छो जो तेन अखराजात एतरा हूँ एक मैच से सैटेलाइट जी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी जो विकैमल कमर्शियल्स तुम ऑलरेडी डिसाइडेड वरी जो स्टाफ जो सिस्टम है वरी होटलिंग ट्रांसपोर्टेशन ठीक ठाक पैसो खर्च होते इन कर मैच तो एनी हाउ थो न थो तो पॉइंट्स लूज कंदी कराची और मैं समझा तो कराची अड़ी पोजिशन में ना है छो जो अं कराची जो अज जो मैच है इन तई एम आई 5th मैच है कराची अजवारो जो है
मौजूद होंदा हाँ खटन भाग कराची जहाँ बाकी सोचाल कराची हक में अज भी कान्ने का जो सोचाल बुधाई थी वे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट मेडिसिन खारा कुछ भी कर पर जैसे प्लेयर फिट ही न हों घोड़ो फिट न हों तो मैदान में डुक रेस घोड़ो डरबी रेस खटी क्या तेरे करे आए मेहनत वो कम सही गाल वही गाल शीह के अगर बकरी कोई वही लड़नी बाकी तो ऐसू ना भला छा थे अज मैच में बहरहाल सही टे बन के जो ड्रिपू भी लग्यून यो यानी पाकिस्तान में यो छो थी मेन तो सवाल यो है अस दुनिया भर जू लीग दिसना तो इन किस्म जहा अलमिया इन किस्म जहा वाक्य ड्रामा चाहूँ तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही थी ना सही दुनिया में को भी तुम कम दिसो को भी असा वट उन हर कम के उबतर थी ना कें शे में तुम तुम ट्रांसपोर्ट में दिसो जेका भी नफरी तवाजी आहे जेका असान जी खास करे माफी सा मैं जी साहब रिक्वेस्ट कर चैनल के थ्रू तो तुम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम दिसो तो जेके भी ब्रिजेस आन ना कराची जा उन ब्रिजेस के मथा वही बस स्टॉप आ उते ताके को ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं दो को सिस्टम नजर नहीं दो उते ट्रैफिक जाम थी वेंदी दुनिया जिते सोच साईं दुनिया जिते सोच खत्म दीते उता पाकिस्तान जी शुरू थे ब्रेक वरता नाजी ब्रेक आप वापस नहीं मजीद गाल करना दी अजी जी मैच थी।